हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स के बारे में कि गूगल एड्स क्या होता है, कैसे काम करता है और हम गूगल एड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं, गूगल एड्स 24 जुलाई 2018 से पहले गूगल एडवर्ड्स के नाम से जाना जाता था, जो कि 24 जुलाई 2018 के बाद गूगल ने गूगल एडवर्ड का नाम गूगल एड्स कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं गूगल एडवर्ड्स में, आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए गूगल एड्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो उसको प्रमोट करने में, वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए गूगल एड्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में गूगल एड्स से जुड़ी सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गूगल एड्स होता क्या है। गूगल एड्स एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं कीवर्ड की बेस पे। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक वर्ड या कोई सेंटेंस होता है। गूगल एड्स का सारा सिस्टम कीवर्ड्स पे ही वर्क करता है। अगर आप अपने एड्स में बेस्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं तो आपका एड गूगल पे सबसे पहले शो करेगा, यूज़र उसे सबसे पहले फाइंड कर पाएंगे। अब ये कैसे काम करता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका फ़्लावर्स का बिज़नेस है और किसी कस्टमर को फ़्लावर्स चाहिए होंगे तो गूगल पे टाइप करेगा 24 आवर फ्लावर्स डिलीवरी, और जैसे ये टाइप करके गूगल पे सर्च करेगा उसे नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ नीचे शो करने लगेंगे। इनमें से कुछ एंट्रीज़ ऑर्गेनिक सर्च की होंगी जिसमें एड्स शो नहीं कर रहा होगा, पर जो एड एंट्री होंगी एड के साथ ही लिखा हुआ होगा, वो एड गूगल एड की एंट्रीज़ आपको शो करेगा सबसे पहले। जो इस कस्टमर ने 24 आवर फ्लावर डिलीवरी सर्च किया है, इसमें से फ्लावर कीवर्ड मोस्टली रन कर रहा है बेस्ट। आप कीवर्ड वेबसाइट रैंक की कस्टमर उस क्लिक करके इंटर करेगा और जो भी उसे फ्लावर जो भी चाहिए होंगे वो ऑर्डर कर देगा। तो ऐसे आप गूगल एड्स की हेल्प की वजह से आपकी बेस्ट कीवर्ड यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को बेस्ट प्रमोट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स को ही अच्छे से सेल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गूगल एड्स वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा आप अपने बिज़नेस को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना चाहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, यूट्यूब वीडियो एड्स और एड मोबाइल एड्स। सर्च एड्स क्या होता है? सर्च एड में क्या होता है कि आपके जो एड्स हैं वो गूगल के टेक्स्ट में डिस्प्ले होंगे, जब भी कोई कुछ टाइप करेगा या सर्च करेगा तो वहाँ पे सर्च एड में दिखाए जाएंगे। और डिस्प्ले एड्स क्या होता है? डिस्प्ले एड्स एक ग्राफिक एड्स होता है, जैसे कोई वेबसाइट हुई या जीमेल हुए, वहाँ पे आपके एड्स दिखाए जाते हैं और बैनर टेक्स्ट के साथ दिखाए जाते हैं किसी की वेबसाइट पर, और पार्टिकुलर कस्टमर पार्टिकुलर कोई वेबसाइट यूज़ कर रहा है और आपके एड्स उन पार्टिकुलर वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे। ये एक डिस्प्ले एड्स होता है। वीडियो एड्स एक ऐसा एड्स होता है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। आपको यूट्यूब पे अपना कोई बिज़नेस का बढ़िया सा वीडियो बनाएं और वीडियो को प्रमोट करें कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स कैसे पहुंचेगा, और बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है ऐप एड्स, आप ऐप पर अपने एड्स शो करवा सकते हैं, जितने भी सारे ऐप्स यूज़ होते हैं वहाँ पर अपने एड्स शो करेंगे। आपके पास ये चार ऑप्शन है, अब आपको फाइंड करना है आप किस तरीके से अपने कस्टमर से पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें आप बात करते हैं कि गूगल एड्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं उस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल एक्सप्लेन करूंगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फ़िलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं।